थांदड़ा रोड पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार व्यक्ति को गंभीर चोट मारने व जान से मारने की धमकी देने के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। जिला पुलिस की टीम ने गंभीर चोट मारने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में सुरेश पुत्र प्रेमचंद वासी चनार हेड़ी व राजेश कुमार पुत्र दुनी चंद वासी जाट मोहल्ला इस्माइलाबाद जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह जानकारी देते हुए जिला पुलिस प्रवक्ता ने शुक्रवार शाम को मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 16 मार्च 2024 को पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में संजीव कुमार उर्फ सोनू पुत्र लालचंद वासी पंजाबी मोहल्ला इस्माइलाबाद जिला कुरुक्षेत्र ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वह गांव का भूतपूर्व सरपंच है। उसने इस्माइलाबाद में SBI बैंक के सामने दो दुकानें खरीदी थी। इन दुकानों को राजेश व मुकेश पुत्र दुनीचंद जिला कुरुक्षेत्र भी खरीदना चाहते थे। जब इन दुकानों को उसने खरीदा तो आरोपी उससे रंजिश रखने लगे। 16 मार्च 2024 को शाम को वह बाइक पर अपने घर जा रहा था, जब वह फीलिंग स्टेशन थांदड़ा रोड पर पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो पीछे से आ रही गाड़ी ने सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया। गाड़ी से 5 से 6 व्यक्ति उतर कर आए, जिनमें मुकेश और उसका लड़का प्रशांत और सुरेश ने उसको जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर डंडे बिंडों से हमला कर दिया। उसके शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गए। उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल कुरुक्षेत्र में दाखिल करवाया गया, जहां पर अब उसका इलाज चल रहा है, जिसके बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच उप निरीक्षक विजय कुमार को सौंप दी। दिनांक 21 मार्च 2024 को पुलिस की टीम ने गंभीर चोट मारने व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी सुरेश पुत्र प्रेमचंद वासी चनार हेड़ी व राजेश कुमार पुत्र दुनी चंद वासी जाट मोहल्ला जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया और अदालत के आदेश से जिला कारागार भेज दिया गया है। थांदड़ा रोड पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार व्यक्ति को गंभीर चोट मारने व जान से मारने की धमकी देने के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। जिला पुलिस की टीम ने गंभीर चोट मारने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में सुरेश पुत्र प्रेमचंद वासी चनार हेड़ी व राजेश कुमार पुत्र दुनी चंद वासी जाट मोहल्ला इस्माइलाबाद जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह जानकारी देते हुए जिला पुलिस प्रवक्ता ने शुक्रवार शाम को मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 16 मार्च 2024 को पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में संजीव कुमार उर्फ सोनू पुत्र लालचंद वासी पंजाबी मोहल्ला इस्माइलाबाद जिला कुरुक्षेत्र ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वह गांव का भूतपूर्व सरपंच है। उसने इस्माइलाबाद में SBI बैंक के सामने दो दुकानें खरीदी थी। इन दुकानों को राजेश व मुकेश पुत्र दुनीचंद जिला कुरुक्षेत्र भी खरीदना चाहते थे। जब इन दुकानों को उसने खरीदा तो आरोपी उससे रंजिश रखने लगे। 16 मार्च 2024 को शाम को वह बाइक पर अपने घर जा रहा था, जब वह फीलिंग स्टेशन थांदड़ा रोड पर पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो पीछे से आ रही गाड़ी ने सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया। गाड़ी से 5 से 6 व्यक्ति उतर कर आए, जिनमें मुकेश और उसका लड़का प्रशांत और सुरेश ने उसको जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर डंडे बिंडों से हमला कर दिया। उसके शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गए। उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल कुरुक्षेत्र में दाखिल करवाया गया, जहां पर अब उसका इलाज चल रहा है, जिसके बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच उप निरीक्षक विजय कुमार को सौंप दी। दिनांक 21 मार्च 2024 को पुलिस की टीम ने गंभीर चोट मारने व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी सुरेश पुत्र प्रेमचंद वासी चनार हेड़ी व राजेश कुमार पुत्र दुनी चंद वासी जाट मोहल्ला जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया और अदालत के आदेश से जिला कारागार भेज दिया गया है।